हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, क्या आपको पता है कि ये क्या लिखा है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे लिखा है वोवल्स, कुछ कहेंगे वोवल्स, मतलब अलग अलग तरीके से, लेकिन इसे बोलते हैं वोवल्स, ये बोलते हैं। एक और दिखाता हूं, ये देखो क्या लिखा है। आप कहेंगे वुमन और कुछ लोग कुछ और कहेंगे, लेकिन इसे कहते हैं वुमेन, ये कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी प्रोनंसिएशन हम अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल गलत करते हैं, और ये बहुत मायने रखती है आपकी प्रोनंसिएशन, आपका ग्रामेटिकल स्किल, के जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं जहां पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है या फिर आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, अगर यही बेसिक चीजें आपकी इंप्रूव नहीं है, सही नहीं है, तो आपकी इंग्लिश फिर बहुत ज्यादा बेकार लगने लगती है। अब देखो यार, इन सब चीजों के लिए ना प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और हम क्या करते हैं, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बताओ, अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि कार कैसे चलाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं भाई कि एक्सकलेटर पर पैर रखना है और इस तरह से धीरे धीरे मतलब जो है रेस देनी है और ये करना है और फिर इस तरह से स्पीड पकड़नी है, तो हो सकता है उस वीडियो के जरिए आप, यानी उस थ्योरी के जरिए आप थोड़ी बहुत कार चलाना सीख जाओ खुले एरिया में। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप हाईवे पर उस वीडियो के जरिए, उस थ्योरी के जरिए कार चला सकते हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईवे पर कार चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको जरूरत होगी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल हम करते नहीं है। सेम चीज होती है इंग्लिश के साथ। अगर आप इंग्लिश को हिंदी की तरह स्मूथली बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिकल करना होगा। अब आप में से कितने लोग इंग्लिश को टाइम देते हैं अपनी डेली लाइफ में, कितना देते हैं? अगर आप ट्यूशन भी पढ़ते होंगे ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, या मेरी वीडियोस देखते होंगे 10 मिनट 5 मिनट सारा दिन, तो कौन देखता होगा? यही टाइम देने की जरूरत है इंग्लिश को। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि हां जी, हमें इंग्लिश सीखनी तो है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, किसके साथ प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें? डोंट वरी, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लेकर आज मैं इस वीडियो में आया हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से अंग्रेजी सीख सकते हैं और इंग्लिश की घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप लोग इस एप्लीकेशन का डैशबोर्ड यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं इंग्लिश कोर्स पर टैप करता हूं, ये मैंने टाइप किया। यहां पर मेरे पास फिर से दो ऑप्शंस हैं, एक है वोकैबुलरी, यानी कि मैं अपनी वोकैब अच्छी कर सकता हूं, नए नए वर्ड्स याद कर सकता हूं, उनकी प्रोनंसिएशन सीख सकता हूं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। दूसरा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख सकता हूं। अगर मैं बात करूं इसके वोकैबुलरी वाले सेक्शन की, तो उसके अंदर ना सिर्फ आप किसी वर्ड की मीनिंग जान सकते हैं, बल्कि उसके अंदर एक एक शब्द को सिस्टमैटिक पैटर्न में बोलना सिखाया जाता है, यानी उसकी सही प्रोनंसिएशन सिखाई जाती है। अगर बात करें बेसिक स्पोकन इंग्लिश की, तो आप अपनी स्क्रीन पर पर देख ही सकते हैं कि इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई जाती है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यूज ऑफ ए और एन, फिर दिस और दैट का यूज, दीज और दोज का यूज, मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे से लेकर ऊपर तक, बीच में से ऐसा नहीं है कुछ भी उठा लिया, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे होगी, बोलना कैसे सीखेंगे, वो बताओ, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो भी लेसन आपने सीखना है उस पर टैप करना है, जैसे कि मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर क्लिक करता हूं, ये मैंने किया। अब यहां पर मेरे सामने चार ऑप्शंस खुल गए, देख पा रहे होंगे आप। अब एक-एक करके सबके बारे में बताता हूं। पहला है वीडियो। वीडियो का मतलब है जो भी लेसन आपने चूज किया है, जैसे मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस चूज किए हैं, इसको आप वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, और इसमें कमाल-कमाल की बहुत मजेदार एनिमेशंस दी गई हैं, जिसके जरिए आपके माइंड में ये कांसेप्ट एकदम फिट हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से बैठे-बैठे आप इसे सीख जाएंगे। इसके अलावा नीचे देखिए नोट्स लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इस टॉपिक के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको इंग्लिश सिखाए और साथ साथ में फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए? नॉट एट ऑल। तो यहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और सेक्शन है टेस्ट का, यानी जो भी आपने सीखा, अगर आप अपना लेवल टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा, आपको याद है या नहीं है, तो यहां पर क्लिक कर आप अपना एक छोटा सा टेस्ट दे सकते हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है जिसके जरिए आप यह जान पाएंगे कि यह टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। अब आ रहा है सबसे मजेदार और सबसे जबरदस्त वाला फीचर, और वो है लर्निंग वाला। बस इसी के जरिए आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जो मुझे फीचर लगा इस एप्लीकेशन के अंदर, वो यही है। अब मैं आपको बताता हूं इसको यूज कैसे करना है, सुनो। अब देखिए, आपको करना क्या है कि जिस भी लेसन की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी जिस भी लेसन की आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, उस लेसन की वीडियो सबसे पहले देखनी है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, मैंने वीडियो देखी, वीडियो के जरिए मैंने उसको अच्छे से समझ लिया। अब बारी है प्रैक्टिस की, तो मैं लर्निंग पर जाऊंगा, ये ऑप्शन है, मैंने टाइप किया, और टाइप करते यानी क्लिक करते ही मेरे सामने एक इमेज खुल गई, डू और डाई, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब यहां पर इमेज की इंग्लिश लिखी हुई है डू और डाई, और उसके नीचे उसकी हिंदी भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है करो या मरो। तो सबसे पहले चीज तो मुझे ये जो फ्रेज था डू और डाई, ये याद हो गया कि डू और डाई मतलब करो या मरो, डू और डाई मतलब करो या मरो, तो इस तरह से यहां पर एक अच्छी चीज मिली। साथ ही साथ आप इसे सुन सकते हैं कि इसे बोला किस तरीके से जाता है, जितनी मर्जी बार आप चाहे सुन सकते हैं, जैसे डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई,
देखा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपको ये बोलकर प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि भाई आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आपका जो माइक है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा लाउडली प्लीज बोलना आप, थोड़ा तेज, क्योंकि लाउडली बोलने से अच्छी प्रैक्टिस होती है। और आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी थोड़ा सही होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वरना एप्लीकेशन खामखा इसका फिर रॉन्ग मतलब बताएगा आपको, तो आप सोचोगे कि मुझे अभी प्रैक्टिस मेरी ढंग से नहीं हुई है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इस वर्ड को बोलकर प्रैक्टिस करता हूं उसकी, ताकि मुझे याद हो ये सही से और मैं उसे बोलना भी सीखूं। डू और डाई, पहले मैं बोल लेता हूं, अब मैं टाइप करता हूं स्टार्ट पे, डू और डाई, देखते हैं। ऑसम, यू आर राइट। Awesome, you are right, great, you are 74% right, my God, यानी कि मेरी जो pronunciation है, जो recognize की है voice, उसका जो था मतलब जो है percentage भी बता दिया कि इतने percent आपकी जो voice recognize हुई है वो इतनी pure थी, यानी इतना सही तरीके से आपने बोला, कमाल है। अब देखिए जब तक आप बिल्कुल सही नहीं बोलेंगे next का option नहीं आएगा, अभी तक नहीं था, अब मैं next का option जैसे ही टैप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिर से एक और image आ जाएगी और same practice मैं इसके साथ करूँगा और इससे अगले वाले step पर जाने के लिए फिर से मुझे ये सही बोलना पड़ेगा। सो इस तरह से आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग की। तो यार ये एकदम गजब तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का। अब आप मुझे एक बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कभी आपके टीचर्स ने एक एक वर्ड या एक एक सेंटेंस बोलकर आपकी प्रैक्टिस करवाई है। ऑब्वियसली नॉट, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, कितने स्टूडेंट्स को एक एक करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन इस एप्लीकेशन के जरिए आप किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्द को वीडियो के जरिए या फिर वो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया जितनी मर्जी बार चाहे उसको सुन सकते हैं और बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंप्रूवमेंट को जो टेस्ट है उसके जरिए देख भी सकते हैं कि आपने कितना इंप्रूव किया। अब इस एप्लीकेशन के जरिए आप बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक यानी कि ऊंचे लेवल तक अब धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करते हुए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब यार ये सब देखकर आप ये जरूर पूछना चाह रहे होंगे कि सर इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो मैं आपको बता देता हूं, इस एप्लीकेशन का नाम है ओम इंग्लिश। जी हां, ओम इंग्लिश मोबाइल एप्लीकेशन, जो एक इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर उस लिंक के जरिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर विजिट कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी के लिए वही अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, नाम वगैरह जो डिटेल है वो फिल करनी है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, जो आपने डाला है वो फिल करते ही आपकी आईडी समझ लो बन गई, आप साइन अप हो गए। अब अगली बार जब भी आप इस एप्लीकेशन पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप साइन इन हो जाएंगे। अब इसके बाद आप इसके जो शुरुआती फीचर्स हैं वो तो फ्री में आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आज ही से आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके सारे फीचर्स को अनलॉक करना, जो भी इसका वोकैबुलरी वाला फीचर है या फिर इसका जो बेसिक इंग्लिश से लेके अपर लेवल तक का जा रहा है उसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको इसका एक छोटा सा पैकेज बता देता हूं जिसको सुनकर आप कहेंगे बस इतना सही। जी हां बिल्कुल, इसका एक साल का जो पूरे फीचर्स अनलॉक करने वाला जो पैकेज है वो है ओनली 499, यानी कि 499 रुपए का, बिल्कुल 499 रुपए का एक साल का, जिसके जरिए आप पूरे एप्लीकेशन के मतलब जितने फीचर्स हैं सबको यूज कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसका जो एक्चुअल प्राइस था अभी कुछ वक्त पहले तक वो था 1199 रुपए और इसकी वेबसाइट पर भी अभी भी यही प्राइस है, लेकिन एक ऑफर के तहत अभी कम प्राइस हुआ है 499 और इसी को देखने के बाद मैंने सोचा कि फिर आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जाए ताकि आपको इस ऑफर का फायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आपको इस एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए, यानी कि आप पेमेंट वगैरह, पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें, वॉलेट का भी ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकी टीम से, टीम के जरिए आप और अच्छे से बेहतर जानकारी ले पाएंगे। लेकिन मेरी आपको राय है कि आप इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करें क्योंकि एक कमाल की एप्लीकेशन है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप स्पोकन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ओम इंग्लिश के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ऐसे ही बोलते रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर।